गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड बिलाव पास्टर्स। आज की सुबह फिर से हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आए हैं। आज की सुबह फिर से परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहता है। आज की सुबह फिर से परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आज की सुबह फिर से परमेश्वर अपने मार्गों पर आपको और हमें चलाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि इस वचन को सुनने से पहले आप मेरे साथ परमेश्वर की महिमा करें, जिसके द्वारा कि परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। सिर्फ नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज फिर मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज फिर मसीह के द्वारा। हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं विलाप गीत उसका 3 और 23 वचन। आपके लिए पढ़ना चाहते हैं विलाप गीत 3 और 23 वचन, द बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3:23। हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, प्रतिभोज वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है विलाप गीत का लिखने वाला यरमाया आपको और मुझे कहता है, प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ये प्रति नई क्या चीज है? ये क्या प्रति नई चीजों के बारे में यरमाया बोलता है? यरमाया कहता है कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी सच्चाई जो है वो रोज प्रतिदिन नहीं होती रहती है, कहाँ होती रहती है। कहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन नई चीजें, नई बातें, नया सब कुछ होता रहता है, क्योंकि तूने हमने नाश होने नहीं दिया, परंतु तूने अपनी महान करुणा से हमें क्या किया, संभाले रखा है। यहां पे यरमया इस विलाप गीत में कहता है, और यरूशलेम के उजड़ जाने की और उस भवन के उजड़ जाने की एक फिर से उल्लेख करता है और कहता है कि प्रभु ये तेरी करुणा है जो प्रतिरोज जो हमारे जीवन के अंदर होती है। कहता है ये तो नई और नई होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करता है, हमारी गलतियों को कभी भी स्मरण नहीं करता है। परमेश्वर अपनी करुणा के साथ, अपनी दया के साथ, एक नई सच्चाई के साथ परमेश्वर अपने हमारे जीवन के अंदर अपनी करुणा को इसलिए डालता है कि वो नई होती चली जाए। आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझे कहना चाहता है, और यरमाया इस अपने वचन के द्वारा आपको और मुझे उत्साहित करना चाहता है कि यरमाया परमेश्वर का दास जो है वो अपने आप के जीवन की गवाही को देता है, साक्षी को देता है, कहता है कि परमेश्वर ने हमें अभी तक अपने क्रोध से हमें बचा कर रखा हुआ है। कहता है यरूशलेम उजड़ गया है, मंदिर उजड़ चुका है, भवन उजड़ चुका है, परंतु परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा हुआ है। यरमाया इस गीत अपने इस वचन के द्वारा आपको मुझे उत्साहित करना चाहता है। वो अपने दंड को वापस याद करता है, अपनी सजा को वापस याद करता है, और उस परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है जो रोज हमारे जीवन के अंदर नहीं होती चली जाती है। तो हमें पापों से, हमारी गलतियों से तो हमें क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। प्रियनो आज की सुबह यरमिया आपसे और मुझसे कहना चाहता है, यदि भोर को हम उड़ते हैं तो पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें सुबह का सूरज दिखाया है, जिसने एक नई फिर से अपनी करुणा को देकर हमें फिर से जगाया है। यरमिया परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहता है कि प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, ये तेरी दया है, तेरी करुणा है जो प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर नहीं होती चली जाती। आज की सुबह मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँ
कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर नहीं अपनी करुणा को ढेलता रहे, कि जब भी आप रात को सोते हैं और सुबह के सूरज के साथ जब आप अपने जीवन को शुरुआत करने की आगे निकलते हैं, तो हमेशा सुबह उठने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ये तेरी नई करुणा है जो मेरे जीवन में फिर हुई, ताकि मैं तुझे धन्यवाद देने पाऊँ। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर को आदर और सम्मान दें। प्रभु करे कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। पिताजी, तेरी दया परमेश हमारे जीवन के अंदर रोज नहीं होती है, ताकि परमेश हम तुझे धन्यवाद देते रहें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए, और जो लोग इस वचन को सुनते हैं, तेरी महान दया उनके जीवन के अंदर होने पा, तेरी करुणा उनके जीवन के अंदर होने पा। प्रभु, ये लोग आशीष का कारण होने पा। परमेश सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जैसे यर्मिया प्रभु तुझे धन्यवाद देता है, इसी प्रति परमेश्वर हम भी तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि तुम महान और करुणामय परमेश्वर है। सरादर में मैं तुम्हें देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।